नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट, मैं हूं नेहा। इस वक्त अभी हम जेडीयू के सभा में संबोधित है, जहां जेडीयू का संकल्प पत्र जारी हुआ है। इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह है, जेडीयू के मंत्री हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। आप वरिष्ठ पॉलिटिशियन भी अब हम आपको कह देते हैं, झारखंड में सबसे पहले क्या सीन आपको देखने को मिल रहा है? कहां भारतीय जनता पार्टी है, कहां महागठबंधन है और कहां आप? 11 करोड़ का बिहार और 3 करोड़ का झारखंड जनसंख्या के मामले में, तो अगर गांव को इकाई मान लिया जाए, तो अगर विकास की तुलना की जाए, तो हमारी समझ है कि विकास के निचले पायदान पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर तुलना किया जाएगा, तो विकास के निचले पायदान पर झारखंड का गांव का किसान, खेत मजदूर, आदिवासी, दलित स्वाभाविक रूप से। तो झारखंड प्राकृतिक संपदा भरपूर, जब झारखंड का बंटवारा हुआ था सरप्लस बजट था यहाँ का, अतिरिक्त बजट, लेकिन आज क्या स्थिति है? इसलिए हमने यह कहा है कि झारखंड के बदलाव अगर करने, उसके 10 सूत्र हमने बताया है, और हमने ये कहा है कि अगर इस पर का अनुपालन किया जाए तो झारखंड के विकास की नई पटकथा लिखी जा सकती है। 10 सूत्र जो आपने बनाए, वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने तैयार किए, कैसे, क्या तैयारी के पीछे क्या है? यहाँ पे बिहार की तरह आपको सिर्फ एक तरफ यूनिफॉर्म चीज नहीं मिली, यहाँ आदिवासी भी है, यहाँ जनरल भी है, बाहरी लोग भी है, यहाँ के मूल जो लोग हैं यहाँ वो लोग भी, कैसे आपने ये 10 बिहार के पास तो कोई कोयला खदान नहीं है, झारखंड के पास कोयला खदान है, तो बिजली क्यों नहीं हर गांव तक, हर घर तक बिजली क्यों नहीं? सड़कों के मामले में आप बिजली, हम बिहार के अंदर में आप बगहा के इलाके चले जाइए, जहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं, तो हमने सौर ऊर्जा से उनको आच्छादित किया। बच्चों को पढ़ने के लिए देश के अंदर में कहीं पढ़ने जाए, शिक्षा ऋण के चलते यहाँ का नौजवान आत्महत्या कर रहा है कि उसके बाद ऊपर लोन हो गया, और बिहार ने रास्ता दिखाया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम 4 लाख रुपया का देते हैं, देश के अंदर पढ़ो, रोजगार मिले तो लौटा देना, नहीं रोजगार मिले तो सरकार लौटा देगी। पर हमने महिलाओं का सशक्तिकरण, जो हमने बेटियों को रोजगार में 33% आरक्षण दिया, उसमें क्या परेशानी है? अब तो आरक्षण के मामले में पार्लियामेंट ने भी इस बात की अनुमति दे दी है कि आप आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा कहना है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज के सारे तबकों का सशक्तिकरण होना चाहिए, और जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वह महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए जो संवैधानिक प्रावधानों तक। इसलिए हमारी उम्मीद है कि झारखंड की जनता प्राकृतिक संपदा से भरपूर रहने के बावजूद, झारखंड के बंटवारे के समय सरप्लस बजट रहने के बावजूद, राष्ट्रीय मानक पर विकास के उच्च पायदान पर नहीं पहुंचा, तो हमारी उम्मीद है कि जनता दलियों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, समर्थन बढ़ेगा। नीरज जी, जो एग्रेशन आप दिखा रहे हैं यहाँ की सरकार के खिलाफ, बहुत सीधा सा सवाल है, 19 साल का झारखंड 5 साल बाद 25 का हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी कह के गए, अब सही गार्जियन आपके पास है जो कि भारतीय जनता पार्टी है, सही दिशा निर्देश दिखाएंगे आप झारखंड को, क्योंकि झारखंड टीन एज में है, 25 साल तक जाते जाते जवान हो जाएगा, तो जब आप जवानी के दहलीज पे जाते हैं तो आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए, रघुवर दास सही गाइडेंस दे पा रहे हैं झारखंड को? देखिए, हर एक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी का प्रचार करने आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अपनी बात कहेंगे, हम भी अगर हमारी सीमित राजनीतिक ताकत है तो हम भी अपना बिहार मॉडल दिखा रहे हैं कि देखो ये बिहार मॉडल है, विकास का इस मॉडल को आप अपनाइए, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में स्वीकार करती है हमारे साथ निश्चय। इसलिए हर एक राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमारी ये समझ है कि झारखंड में बदलाव की पटकथा अगर लिखना है तो 10 सूत्र का सांगोपांग अनुपालन करिए, बेहतर होगा। महागठबंधन के लिए आरजेडी कह रही, महागठबंधन लालू यादव के चेहरे पे चुनाव जीतने के लिए तैयार है, कल तेजस्वी नहीं। भाई लालू प्रसाद जी होटवार जेल के कैदी नंबर 3351 है, स्वाभाविक रूप से एक नया भ्रष्टाचारियों का ये गठबंधन हुआ है झारखंड के अंदर में, जिसका रिमोट बैठे हुए कौन होटवार जेल में, तो ये राजनीति, ये सेक्युलरिज्म के नाम पर जो राजनीति का एजेंडा तय करने वाले लोग हैं, वह यह बताएं कि बिहार और झारखंड का जेल मैनुअल की धारा 999 यह कहता है कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी राजनीतिक गतिविधि नहीं चला सकता है, तो माननीय तेजस्वी यादव जी आपके पिता जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं क्या? बधाई नहीं देंगे लालू यादव को अध्यक्ष बने? किस बात के लिए बधाई, जिनको न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने के ही मामले में कुपात्र घोषित कर दिया हो, जो बेचारे मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं,
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। अब बताइए इससे बड़ी दुर्गति और राजनीति की क्या होगी। अरे सब परिवार में रखना था, परिवार और भरोसा टूट गया क्या? परिवार में किसी को बना देते। हमारे साथ नीरज सिंह जो कि जेडीयू बिहार सरकार में मंत्री भी है, जेडीयू के वरिष्ठ राज पॉलिटिशियन है। साफ तौर पे इन्होंने रघुवर दास को भी टारगेट पे किया, महागठबंधन को भी टारगेट पे किया और अपने सभा में इन्होंने कहा है कि झारखंड वासियों को एक नया विकल्प देना चाहते हैं जेडीयू के रूप में। जो 10 निश्चय जो इनका है उसके तहत ये झारखंड का विकास कर सकते हैं। कुल मिला के 51 सीटों पे जेडीयू की तैयारी है। झारखंड विधानसभा में देखना होगा 51 सीटों में कितना राइज करते हैं, कितना फॉल करते हैं, कितनी सीटों को ये निकाल लेते हैं, कितनी सीटों इनसे निकल पाती है, अपने में एक देखने वाली बात है। मेरा जेडीयू को अलग से लड़ना, एनडीए में शामिल होकर नहीं लड़ना एक बहुत बड़ा सवाल है। झारखंड बिहार से बहुत दूर है, बिहार विधानसभा भी झारखंड विधानसभा से बहुत दूर है। यहाँ का रिजल्ट बिहार विधानसभा में भी असर डालेगा। देखना ये होगा हमें कि और क्या क्या झारखंड विधानसभा में नए पॉलिटिक्स हमें और आपको देखने को मिलते हैं। मेरा यहाँ से हम आपको बता रहे थे कि जेडीयू ने अपना 10 निश्चय जो जारी किया है उसके विषय में नीरज सिंह यहाँ आए हुए थे जो की सभा को संबोधित कर रहे थे। सिटी पोस्ट के सिटी पोस्ट हर छोटी से बड़ी खबर आप पहुँचाते रहे।